स्वीट हो। फाइनली कितने टाइम के बाद मैं अपने घर पे आ गया। करवा देंगे हम तो, तैयार करा देंगे। तू कर रहा है इसी साल? ये पीछे का ना पूरा इलाका हमने भैंस को दे रखा है। तो सुबह नहलाते हैं, पूरे दिन कैसे गंदा कर लेती है अपने आप। ये वाला देख, ये वाला तो पक भी गया। तू रेस लगा रहा है कि तू तो ये बता। हाँ चल ठीक है। रोहित की तसल्ली के लिए हम एक बार फिर से कर रहे हैं, हालांकि पता है इस बार भी वही हारेगा लेकिन फुली रोटी लगती हुई देखो, फुली फुली रोटी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं इतने दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा अचानक से अब कल गांव जाने का प्लान बन चुका है। चिदेशु चाचू सुबह चले जाएंगे। चिदेशु अब मिलोगे नहीं मुझे? भाई जब मैं सुबह जा रहा हूँ ना तब तो ये सो रहा होगा। हंसिका तू नहीं चल रही शादी में? नहीं। अच्छा हाँ, हंसिका को घुसने भी तो नहीं देगा कोई? कौन ये फोन हमें क्यों नहीं दिखते? पापा आपको दिखते हैं? ये जो फोन आता है हमारे, हमें क्यों नहीं दिखते? सुबह के बचे हैं 4:30 हो गए, आधा घंटा बचा है। अब मैं रेडी तो पूरा हो गया ऑलमोस्ट, बस अब कुछ खाने के लिए देखता हूँ। और खाने के लिए जो मैं बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ ओट और 2 केले खा के निकल जाऊँगा। तो भाई हम धोला को पहुँच चुके हैं, 5:30 के हमारी बस है, जल्दी से आने वाली, जल्दी निकलते हैं। भाई साहब सुबह सुबह कितना सुनसान है, बिल्कुल कोई है ही नहीं। भाई बताना मैं कैसे लग रहा हूँ। तो भाई बस ने उतार दिया बिल्कुल, घर मतलब घर तो पहुंच चुके हैं। अब ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से अगर, क्योंकि बस यहीं पे उतार दिया। पीछे जो हाईवे दिख रहा है आपको, इसी हाईवे पे। और फिर अभी भाई को बुलाया मैंने, कज़न को, मेरे को वो आएगा लेने, क्योंकि बिल्कुल चलने की बस की नहीं है। तो सुबह से इतना दिमाग ख़राब हुआ है, 4 बजे उठे और अब देख लो कितने बजे, 1:30 बज गया ऑलमोस्ट। बहुत दिमाग ख़राब। और यहाँ की आपको बताऊँ, इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल गर्मी आ गई। एक तो स्वेटशर्ट सुबह पहन के आ गया ना मैं, तो बहुत गर्मी लग रही है अब तो। ये देख रहे हो ये NH8 है, जो कि बिल्कुल सीधा अगर इसी रोड पे जाओगे ना सीधा 60 किलोमीटर आगे जयपुर पड़ जाएगा। गोलू आ गया, इतना दिमाग से पैदल आदमी है, पहले एक और को ऑलरेडी लेके आया। और हम दो वैसे ही हैं, अब से 4 कैसे आएंगे? आ जाएंगे भरदेश में बिल्कुल ठोक के पहुँचा देगा ना आज पूरा घर पक्का। देख रहे हो गाइस, ये खतरों के खिलाड़ी वाला सीन जो है ना, ये गाँव में ही हो सकता है। 4 भाई आगे देख लेते हैं यार, इसको गधे को अकेले को आने कही थी, एक और को ले आया था, ये 4 कैसे बैठेंगे? और वो भी स्प्लेंडर है जो तो होम स्वीट हो। फाइनली कितने टाइम के बाद मैं अपने घर पे आ गया। तो देखो गाइस, हमारा घर का जो शेरू है, काड़ू ये बढ़िया, आपने इसको खाट दे रखी है, इसमें बढ़िया सोता है पूरे दिन पेड़ की छाँव में। पूरा घर तो बिल्कुल ही बंद है भाई, मम्मी वगैरह मौसी वगैरह सब गई हुई है वहाँ पे, जो तेल पूज रहा है मतलब बंदोरी होती है, जो भी शादी है जिनके घर में उनका तो कोई फंक्शन होता है उसमें गई हुई है मम्मी। यार रास्ते में मिली थी हमें, अब घर पे कोई नहीं है, हम ही हैं। अब मुझे यूँ नहीं समझ आ रहा, भूख लग रही है इतनी गंदी वाली, और हमें खाना कौन देगा? घर वाले है ही नहीं घर में। मेरी शक्ल देख लो कैसी हो रही है, बिल्कुल काला हो गया। अब ये रास्ते में आओ ना धूल मिट्टी से, सबसे पहले मुंह धोना है मेरे को ठंडे पानी से। गाइस देख लो हमारी टंकी। तो भाई अब जाके थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, अब जाके मैंने फिर मुंह वगैरह धोया है, तो उस वजह से अब देखता हूँ कुछ भूख लग रही है। पहले तो सबसे पहले कुछ खाने को देखता हूँ, मम्मी वगैरह कुछ बना के गई है नहीं गई, नहीं तो फिर भूखा ही रहना पड़ेगा जब तक वो नहीं आती घर पे। चलो रोटी भी है भैया, रोटी मिल गई, सब्जी भी है थोड़ी बहुत, दाल की सब्जी रखी हुई ये खाते थे। तो भाई रोटी सब्जी भी है, रोटी भी है, ठंडी है, लेकिन कोई नहीं, अब उससे काम चलाना पड़ेगा। सब्जी तो मैं गर्म कर लूँगा और सब्जी गर्म कर लेते हैं, और रोटी तो ऐसी खानी पड़ेगी अब ठंडी, अब मम्मी नहीं है नहीं तो गर्म करवा देते। फिर हम थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, वो जो यहाँ पे शादी, जिस शादी के लिए आया हूँ मैं, वहाँ पे तो फंक्शन होता है ना हमारे गाँव में, कैसे कैसे शादी होती है वो सब आपको दिखाता हूँ उसमें क्या होता है। सब आ चुके हैं हम घर पे, वहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये हमारी मम्मी, मम्मी आपको बिल्कुल वो नहीं हुआ, एक भूखा बेटा अपना सुबह से आया, आपने कुछ मेरे लिए बना के, मम्मी भाई गायब, पूरा घर बंद है। हम जब घर पे आए तो ना खाना मैंने ढूंढा, थोड़ा बहुत जो मिला वो खा लिया,
बना के भी नहीं गए मेरे लिए, ना बनाने आए भाई। मम्मी तो भाई गरम गरम बनाते, इसलिए अभी तो आए हैं, कोई रस्ते में कुछ खा आए होंगे। मम्मी बिल्कुल काले हो गए भाई, पूरा मम्मी नाच रही थी। देखा आपने अगर वीडियो में देखा हो तो। मम्मी क्या होता है ये तेल वेल, मेरे को बताओ। अच्छा ये शादी में ऐसे होता है, तेल पूछते हैं। हाँ ये दसम होती है, वो थी आज तो मम्मी, मेरे को तो मन भी नहीं था जाने का, मम्मी ने बुला लिया, कहते यहाँ आ जा, वहाँ से फ्री हो गए, अब घर पे आ गया मैं। मैं तो वैसे भी पहले नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था, मैं तो सोच रहा था सो जाऊँ बस, क्योंकि शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना आज, सिर्फ 3-4 घंटे सोया हूँ मैं, सिर्फ 3-4 घंटे। तो मम्मी चाय बना रही है मेरे लिए, कहती हैं चाय बनाते हैं जिससे हो जाएगा सिर दर्द। मम्मी आज कितना नाचे सच सच बताना, कितना नाचे सच सच बताना। मम्मी ये बताओ, ये सब देख के मेरा मन कर रहा है शादी का, मेरी शादी कब करवा रहे हो? करवा देंगे हम तो, तैयार करने के लिए। तो करवा फिर इसी साल, अगले साल करा देंगे तो कर रहा है इसी साल। भाई देख रहे हो मेरे घर वाले तैयार बैठे बिल्कुल, भाई साहब लटकाड़ के बैठे बिल्कुल कि तब राजी है तब इसकी शादी, लेकिन मैं अभी कुछ ऐसा नहीं करने वाला अभी सालों तक। मम्मी ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब हम बिना शादी के रह सके कुछ, ऐसा कुछ ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं हमारा शादी का। क्यों, मैं सलमान भाई से इंस्पायर हूँ ना बहुत ज्यादा। देखो मम्मी कैसे लाज कर रही है, सामने से एक बाबा आ रहे हैं। ऐसा करना पड़ता गाँव में ना मम्मी। एक बार भाई से रोटी डाल देते तो उसके बाद यहीं बैठने लग गया, तो हम भी डाल देते खाना, तो यहीं पूरे दिन यहीं रहता, पूरी रात यहीं रहता है। हम गीतों में जाते हैं ना, चल जाता गांव में ये। भाई मम्मी जैसे रात, अब शादी वादियाँ चल रही है ना, तो रात को गीत गाने जो लोग गीत होते हैं वो सब गाती है लेडीज वगैरह मिलके, तो उसमें जाते हैं ना, तो मम्मी के साथ ही चल देता है रात को वहाँ तक, पूरा उनके घर तक। गेहूं उग रहा है खेतों में, इस बार गेहूं लगाए अपने हैं मम्मी, सरसों नहीं लगाई। नहीं सरसों नहीं, पहले जब हम छोटे थे ना तो आते थे तो सरसों होती थी, इतनी प्यारी लगती थी। चाय कहाँ है, चाय इसमें कौन सी चाय है भाई, इसमें खाली है पूरे कप। और ये क्या है, अच्छा ये भैंस के लिए, ये क्या हो सांदी, भैंस के लिए सांदी। हमारी भैंस की देख रेख पूरी हमारी मौसी करती हैं। ये पीछे का ना पूरा इलाका हमने भैंस को दे रखा है कि तुम इंजॉय करो अपना। इनको ऐसा क्या टेस्टी लगता है भैया, ऐसे ये तो अभी हुई थी ना मौसी इसकी, कितने दिन की हो गई होगी, कितने महीनों की हो गई होगी? ओ भाई देख लो, 8-7 महीने की हो गई है, कोई कह देगा 8-7। और ये कितने की हो गई होगी? ओ बताओ, ये सिर्फ 1 साल की हुई है और कितनी बड़ी सी लग रही है। और ये दोनों इसी भैंस की है ना, देखे पूरे इनको सुबह नहलाते हैं, पूरे दिन कैसे गंदा कर लेती है अपने आप को पूंछ से मार मार के। तो ये पीछे का पूरा एरिया इनको हमने दे रखा है, मगर ये भैंस तुम रहो इसमें और आगे वाले में हम रहेंगे। और ये जो रूम बना रखे इसमें हमने थोड़ा भर रखा है भैंसों के लिए। और गाइस देख लो उपले, जो भैंस के गोबर से हम जो उपले बनाते हैं ना, ये देखो इतना ये कोर बन जाती है, ये काम आती है जलाने के। और आपको दिखाऊं, देखो मैं पपीता का हमारे घर में हमने पीछे पेड़ लगा रखे हैं पपीते के, इसमें पपीते आ रखे हैं, आपको दिखाता हूं। आने भाई ये देखो ये पपीते आ रखे हैं, कच्चे कच्चे आ रखे हैं अभी तो कच्चे, इनमें से कोई भी पीला नहीं हुआ। अरे ये वाला तो पक भी गया। गाइस आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, हमने घिया के पेड़ भी लगा रहे थे, मतलब बेल सी, उसमें इतनी मोटी मोटी घिया है, देख रहे हो, मान गया ये सारे घियाँ आती हैं, इसके नीचे से निकालनी पड़ती हैं। भाई दूर हो लेते हैं भैया यहाँ से, वैसे थोड़ा सांप वाँप का भी डर रहता है, इनके अंदर छुपे रहते हैं सांप वाँप। भाई देखो चाय बन गया, बनी हमारे लिए, पी खुद रहे हैं, एक बार भी नाम नहीं लिया। मम्मी लिए तो परांठे ला देते ना, परांठे बन रहे हैं, परांठा भी खा ले। हाँ चाय तो डालो। इतनी सी चाय से मेरा क्या, और ले लीजिए ठीक है। भाई देख रहा हूँ हमारे घर में 2 साइकिल आ चुकी हैं, लेडी साइकिल है, ये मेरी बहन जो है निशा तीन को मिली थी स्कूल से। यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है ना वो बच्चों को ना स्कूल में साइकिल देती है लड़कियों को, देखो राजस्थान सरकार, क्योंकि ऐसा होता है ना गांव में स्कूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट देती है, जिससे कि पहले मेरी बहन जो थी पैदल जाती थी, लेकिन अब साइकिल से जाती हैं। ट्राई करो लेडी साइकिल कैसे चलती है। पिछली बार दर्शन आया था ना, अभी थोड़े दिन पहले गाँव आया था, उसको भाई साहब ये बास्केट होती है इसमें बैठा गया, तो पूरा फिट बैठ गया था, उसकी फोटो लगाऊंगा यहाँ पे, आप देख लीजिए पूरा फिट बैठ गया था यहाँ पे। तो गाइस आप जान चुके होंगे रोहित को, आपने इतने सारे ब्लॉग में, हाँ ये थोड़ा इंसान से थोड़ा जानवर होने जा रहा है ये। आज रेस लगाएगा, रेस लगाएगा, देख दोनों साइकिल हैं इधर, तू रेस लगा रहा है कि तू, तो ये बता। हाँ चल ठीक है, जो जीता वो खुश हो लेगा बस।
यार वो सब ठीक है, लेकिन ये क्या है? मैं कहीं पता नहीं क्या है तेरी जिंदगी में, कौन सा गम है? मेरे को पहले ये क्लियर कर, ताई जी की ले लेते हैं इसके ऊपर, ये मतलब रोहित की मम्मी है, इनसे पूछ लेते हैं, ये इसके जो ये हुलिया कर रखा है इसने, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज तक कोई से घर वालों को पसंद आई? भाई जब भी रोहित घर आता है ना, मैं देख के शौक हो जाती हूँ, कहते दिन ब दिन बढ़ा के आ रहे, कमी नहीं हो रही इसकी दाढ़ी, और इतनी बार कह लिया लेकिन ये कटवाता नहीं बंदा बिल्कुल। मैंने भी अपनी हायभूषा निकाल दिया। अबे ना हमने लाइन खींच दी, जो उस लाइन को पहले पार करेगा वो जीतेगा। हाँ तू कर, तीन बोलते ना हम बंद लेंगे, ठीक है? एक, का बना ले। रोहित की तसल्ली के लिए हम एक बार फिर से कर रहे हैं, हालांकि पता है इस बार भी वही हारेगा, लेकिन देख चुके हैं दूसरी बार मैंने कहा रोहित हारेगा, और रोहित हार चुका है बुरी गंदी तरीके से, बहुत पीछे छूट गया। मैं मानता हूँ ना, इंसान का वेट भी मैटर करता है, आप देख सकते हैं इसमें इतना वजन है, इसकी साइकिल आगे नहीं भागी। वो बात अलग, नहीं मैं थोड़ा बड़ा हूं ना तो मेरा बड़ापन आ जाता है। अच्छा वो वाला तो स्टेप कर दे, पुष्पा वाला, श्रीवल्ली वाला। अच्छा श्रीवल्ली वाला चप्पल किसने वाला? नहीं नहीं ये अल्लू अर्जुन ने दारू नहीं पी वैसा वाला कर, ये तो ऐसा लग रहा है दारू पी रखी चप्पल। चाय तो छोड़ दे, हो गया। मैंने आपको दिखाता ना वो हरे हरे थे, मेरी मौसी निकाल के लाई है अंदर से, मतलब उसके अंदर से मैंने देखा नहीं था, देखो बिल्कुल पीले पपीते हो रखे भाई। अभी जो आपको पपीते दिखाया था, देखो काट कूट के खाने भी लग गए हमारे घर वाले, मेरे को भी देना एक मौसी। तो बिल्कुल भाई पक गया है ना। कैसा बता, मीठा है ना? बिल्कुल कोई कमी नहीं, बस ये रंग में थोड़ा कम है मार्केट में जो मिलते हैं उससे, लेकिन भाई टेस्ट में सही है। और भाई देख रहा कालू हमारा पीछा करते करते घर से आ गया पूरा यहाँ तक, देखो हमने कहा ना जहाँ हम जाते ना वहाँ जाता है, और हमारा घर देखो वो रह गया ये घर, और ये घर से घर पे बैठा था हमें देखते देखते पीछे पीछे आ गया यहाँ तक। भाई अब हो चुके शाम और हो रही है हमारी सब्जी बनने की तैयारी चूल्हे पे, जो कि बनेगा आज। क्या सब्जी बनने वाली है? आलू, और ये पता नहीं कौन सी सब्जी फली की खाई तो है, मेरे को नाम नहीं मालूम इसका, ये बनने वाली है। तो भाई अब 6:30 होने वाले हैं और दिन भी छिपने वाला है, जैसे दिन खत्म हो जाता है और शाम होने लगती है ना वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है यहाँ पे। दिन में ऐसा लग रहा था बिल्कुल गर्मी आ गई, लेकिन भाई सर्दी है सच में है, रात में लगती है, रात में नहीं अभी तो शाम को थोड़ी बहुत लग रही है, और रात को तो अभी लगेगी बाकी है। देखो हमारा कालू अभी वही है, अभी तो आया नहीं, वो खेत से देखो बैठा हुआ। तो भाई देखो बाजरे गेहूँ की रोटी देखो चूल्हे पे ऐसे बनती है हमारे, लकड़ी लग रखी है, फिर इससे पहले तो तवे भी सेकते हैं, फिर उसके बाद जब सेक जाते हैं फुलाने के लिए नीचे रख देते हैं। तो देखो हमारी मौसी के हाथ तो इतने पक चुके हैं ना भाई, गर्म कुछ नहीं लगता उन्हें, बड़ा मस्त तरीके है। और चूल्हे की रोटी लगती भी देखो फुली फुली रोटी। अब इसमें हम लगाएंगे लूणा घी, जिसे मक्खन कहते हैं, सफ़ेद मक्खन। बिल्कुल ऐसा कि वहाँ अमरीक सुखदेव गए थे जो पराठों के ऊपर दिया था, यही सेम लूणा की। ये क्या मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है। तो ये सब्जी है हमारी फली और आलू की, और रोटी तैयार है। तो भाई टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है, वो गर्म है बहुत ज़्यादा भाई, जो गांव की रोटी में स्वाद है ना भी घी लगा के कसम से, और चूल्हे की रोटी जो तो मज़ा आ जाओ। अब मैं खा लेता हूँ जल्दी से, फिर आगे बात करता हूँ। लो भाई हमारा दूध भी आ चुका है, खाना तो खा लिया था, अब सोने की टाइम हो रहा है, तो दूध मौसी दूध देखो हमारा सब कुछ गर्म करके ले आया था, हाथ में देती है बिल्कुल भाई साहब, मानना पड़ेगा ना। ओ इतना घंटे में पी जाऊंगा इतना दूध, ओ भाई भाई साहब भाई गांव में ना अच्छी तरीके से खातेदारी होती है सच बता रहा हूँ। तो भाई देख रहे हो पूरी घंटी, ये इतना बड़ा है ना, दिखने में शायद छोटी लग रही है, मेरे से नहीं पिया जाएगा इतना, वैसे इतना दबा के खा चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं पियेंगे भाई। भाई अब अगली बार आशीष का बड़ा मन हो रहा है कि भाई तेरा गाँव चलना है, तो अगली बार जब भी आऊँगा आशीष को लेके आऊँगा, और एक दोस्तों को और लेके आऊँगा अपने गाँव में ज़रूर, अगली बार पक्का भाई
तो भाई मैं अपना दूध पी लेता हूँ और बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। जैसे कि आपको बताया था सिर्फ 3 घंटे की नींद ली है मैंने आज, तो सिर भी दर्द हो रहा था लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन अब मैं सो जाऊंगा, सो कहाँ से जाना है यार, अभी तो पूरी एडिटिंग करनी है और एडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं किया तो कल का ये ब्लॉग मैं अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा, तो जितना भी अब लेट तक जगना पड़े लेकिन एडिटिंग करनी है, कंप्लीट करके ही सोऊंगा और फिर कल आपको आपके लिए ब्लॉग डालूंगा। सो बाय गाइस, आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। और गाइस प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, और वीडियो लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में सच्ची में गाइस। बाय। अब देख रहे हो ना मैं वैसे भी नहीं सोया आज पूरा, फिर भी आज रात को जाके एडिटिंग करूंगा, तो प्लीज यार एक लाइक कर दिया करो भाई के लिए और कमेंट भी जरूर कर दिया करो। बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।